रिवेन्यू अथॉरिटी तो आपकी इशारे पे नाचेगी यार। अरे रिमार्केट का मतलब क्या था कि रिवेन्यू अथॉरिटी आपकी मतलब इशारे पे नाचेगी मिस्टर काउंसिल, दीवार तोड़वाने का 1 लाख रुपए जमा करो। हाई कोर्ट से मत खेलिए आप लोग, और तहसीलदार और आप लोग सोच लीजिए, अगर आप लोगों के खिलाफ मेरे को एक भी मटेरियल मिलेगा लिख दूं कि अभी आज ही डायरेक्शन दे देता हूँ इंक्वायरी के लिए। माय लॉर्ड, हमने अपनी टीम को तुरंत वापस बुला लिया था माय लॉर्ड, जल्दी तोड़ने के कीजिए। बाद तोड़ा? अच्छा जेसीबी किसकी थी? क्या हुआ? इसमें वॉल ये लॉशिप जो बाउंड्री वॉल है वो टोटल 125 फीट की ये लॉशिप लेंथ पेरीमीटर में, एंड 10 फीट की हाइट ये लॉशिप उसकी। 10 फीट की बाउंड्री वॉल बनाओगे? 10 फीट की हाइट की? यस ये क्यों लॉशिप बनेगी 10 फीट पर? बाउंड्री वॉल को बनाते नहीं 10 फीट तो, है लॉशिप, फोटोज में दिख रहा है और सामने क्यों वाले। बनेगा 10 फीट भाई बाउंड्री वॉल? अच्छा हाइट किला है क्या आपका? यस लॉर्ड, किला है क्या? नहीं किला नहीं है लॉशिप, फिर ये इसमें है भी लॉशिप दस। क्यों? ये तो आप एग्जीक्यूट करके बता रहे हो। नहीं सर अरे मिस्टर कौंसिल, फोटो फोटोज में दिख रहा है सर साफ। में नहीं दिख रहा, आप एग्जिट देखिए। 10 फीट की हाइट की दीवार तो कोई होती नहीं बाउंड्री। यस अरे सर, हम लोग भी तो घर बनाते हैं भाई, यस सर, मैक्सिमम 7 से 8 फीट। हमने जब अपने घर की फीट 8 फीट कर दी थी तो हमारे पिताजी बोले थे कि तुम क्या किला बना दोगे एस क्या? एस सेक्शन जैसा बता रहे हैं ना वैसे नहीं, वो बता, तो एग्जीक्यूटिव, वो तो हमारी सिंपैथी का फायदा उठा रहा है। नहीं जैसे बताएं वैसे बताएं, जैसा मैं नहीं है, ऐसे 8 फीट तो हो ही नहीं सकती। लॉशिप। अरे भाई मैक्सिमम स्टैंडर्ड जो है हमारे जो सरकारी मकान की हाइट है 6 फीट, 5 6 फीट, उसके ऊपर से एक वो लगा दो लोहे की ग्रिल, सात लॉशिप फीट पेज नंबर 13 देख लें, लॉशिप पेज नहीं नंबर तेरह फोटोग्राफी में समझ। आप ईमानदारी मिस्टर ये लॉशिप मिस्टर उसमें, काउंसिल, यस लॉशिप ईमानदारी से बता रहे हैं मैं लॉशिप फिजिकल वेरिफिकेशन कराने का डायरेक्शन दे प्लीज। दूंगा। इसमें लॉशिप एक एक पैराग्राफ ऑल पेज नंबर राइट, 13 विल में आस्क द पीडब्ल्यूडी टू असेस द वैल्यूएशन। लॉशिप, इसमें एक चीज देखने लॉशिप, आप झूठ बोल रहे हो, 10 फीट की दीवार नहीं हो इवन सकती। इफ कंसिडर ले 10 फीट नहीं 8 फीट भी मान लेते हैं लॉशिप। नहीं, आप देखिए मिस्टर काउंसिल, कोर्ट मेरे को इस पर में, कोर्ट में आपको जब कोर्ट इतना विश्वास करके बोल रही है तो आपको ईमानदारी से बताना कि सर मेरी हाइट कितनी थी। ईमानदारी से जैसे उन्होंने पूछा उन्होंने बताया 10 फीट थी, नहीं और हो सकती, जैसा भी लॉशिप। विल डायरेक्ट द पीडब्ल्यूडी टू वेरीफाई। एक चीज और लॉशिप मैं इसमें एंड मैलॉर्ड, मैलॉर्ड में अलाउ मैलॉर्ड, लेट मी कंप्लीट लॉशिप, इसमें एक चीज और आई है फैक्ट लॉशिप, कि इन्होंने तोड़ के उसको तोड़ के दूसरा वॉल बना दिया 17 फीट अंदर हमारी तरफ लॉशिप, ये फैक्ट है इसमें उससे हमको मतलब नहीं, हम तो दीवार तोड़ने तक की जिम्मेदारी है। लॉशिप। इसमें अभी हमारे पास कंटेम्प्ट किसकी आई है? बस तो डिसोबीडियंस तो है सर, उसमें दिवाली तोड़ने, दीवार तोड़ने की है ना, बस दीवार इन्होंने दीवार तोड़ने तोड़ की। के हाँ बना हो दिया जाए, लॉशिप, नो नो जब स्टे है लॉशिप। नो नो, दीवार तोड़ने तक की बात में हम आएंगे। आपकी हाइट दीवार की ने आपने गलत फैक्ट बताया है, ये गलत ये बात। लॉशिप जैसा बताया वैसे ही ना बताया, ना ना अब ना, मेरा तो है नहीं गलत, सर आपकी पक्षकार ने गलत बताया है। लॉशिप। 10 फीट हाइट दिखी नहीं रही दीवार की। पेज नंबर 13 में अरे एक्चुअल भाई 10 फीट की दीवार बनाने के पीछे 2 बार उसमें लोहे की रॉड डालना पड़ता है, है सर, हर 4 फीट के ऊपर लोहे की रॉड डालनी पड़ती है, तब जाके 10 फीट की होती है, और बीम और कॉलम खींचना पड़ता है, तब 10 फीट की दीवार बनती है। क्या बात करते हो भाई आप लोग, हाइट ऐसा हाइट तो ज्यादा दिख रही है सर उसमें 10 फीट की हो ही नहीं सकती, ये हार्डली 6 फीट से ज्यादा नहीं है। सर, ये 13 पेज नंबर 13 में थोड़ा सा दिख रहा था। वही पढ़ ली हमने, वही यस पढ़ सर, रहे। ये जो विमेन खड़ी है अलग से वहां पे, उसके ऊपर देखेंगे सर पूरा दिख रहा है, हाइट ज्यादा है सर, 8 9 तो दिख ही रहा था वैसे। नहीं, पेज नंबर 13 में ऑल राइट, डिपॉजिट 1 लाख रुपीज और कंस्ट्रक्टिव वॉल। मलॉर्ड में अलाउ ओनली वन स्मॉल प्रिया मलॉर्ड, सब्जेक्ट यस टू यस बाउंड यस, बाय मलॉर्ड समार्ट मलॉर्ड। ये मलॉर्ड दोनों परिवारों के बीच का बाउंड्री का डिस्प्यूट है, हाँ मेरा इतनी प्रेयर मलॉर्ड, आई हैव सॉट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम माय रिपोर्ट नंबर 4 एंड 5। इनका ये कहना है कि डिमार्केशन हो जाए और इनका जो भी डैमेज हुआ है हम बना के इनको देंगे, एंड द रेवेन्यू अथॉरिटीज में डिमार्केट, एंड जो डैमेज रिवेन्यू हुआ अथॉरिटी तो आपकी इशारे पे नाचेगी यार। डिमार्केट का मतलब अरे क्या था कि रिवेन्यू मतलब अथॉरिटी क्या आपकी थे, इशारे पे नाचेगी मिस्टर काउंसिल, तो 70 ईयर्स में मिस्टर किया था, मिस्टर काउंसिल, ईयर्स रिवेन्यू ओल्ड लेडी है, अथॉरिटीज विल डांस ऑन द ट्यून ऑफ यूअर्स, आई टेल अच्छा की यू। ओल्ड लेडी है मतलब। नो 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 नो, सब मैनेजमेंट हो रहा है, अदरवाइज रिवेन्यू अथॉरिटी वहां पे नहीं होते, इतने सेंसिटिव नहीं है रिवेन्यू ये दोनों अथॉरिटीज। पारिवारिक बाउंड्री डिस्प्यूट होगा हो रहा ना, है होगा, कोई तो दिक्कत नहीं, डिमार्केशन कर दें, वी एंड आर जो नॉट इनका कंसर्न, डैमेज ये हुआ आप है कंटेम्प्ट कोर्ट के बाहर दूसरी कोर्ट है ना वहां बोलिए, जैसे ये बोल रहे क्योंकि हैं, और ये खड़ा भी कर रहे दीवार, क्योंकि देखिए मैंने सर आई हैव सॉट दीवार खड़ा करते इंस्ट्रक्शन हमारे घर के बाजू में है सर, 26/6/2024 और का इमिग्रेशन की ऑर्डर, बात कर रहे हैं। क्योंकि पहले एक रेवेन्यू प्रोसीडिंग चली मैंने जिसका स्पेंडिंग सी 2021 था, बट हमें मतलब अब नहीं है, 2024 आप तो से दीवार तोड़ दिए हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद, आप दीवार नो बना मैडम, दो। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद नहीं मैडम, पहले टूट चुका था उसके बाद हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ मैडम, ये इनका हमारा नो नो कहना है। नो अगर मैलॉर्ड में ग्रांट में मैडम, आई विल फाइल एफिडेविट, नो नो आई मेन सॉट इंस्ट्रक्शंस मैडम, एंड जो हाई कोर्ट का ऑर्डर
ये पहले डिमोलिश हो चुका था, मतलब क्योंकि अच्छा प्रोसीडिंग है मिस्टर नहीं कोर्ट में पटवारी और इनके। मिस्टर तहसीलदार, आपकी जरा मैं एक्ट नहीं हुआ, मतलब मिस्टर क्योंकि तहसील, प्रोसीडिंग तो एक है मिनट नहीं। एक मिनट एक मिनट, आपकी डायरी और वो सब निकालिए, आप लोग उस दिन कैसे ड्यूटी में गए थे तोड़ने के लिए, बताइए कहाँ। आप तो बोल रहे थे ना कि आप तोड़ने के लिए उसी दिन गए हो, माय जिस लॉर्ड दिन आए ये इन्होंने आपके खिलाफ स्टेटमेंट दिया मिस्टर इन द डियर मॉर्निंग सेशन, ये सेज कि ऑन दैट डे ऑर्डर मिलने के पहले हम वहां तोड़फोड़ कर चुके थे। नहीं अब नहीं आप नहीं नो माय वही लॉर्ड तो नहीं, इनके रिप्लाई में लॉस्ट पैराग्राफ 6 में लिखा हुआ है इन्होंने कि इनको फोन कॉल या मैसेज से, व्हाट्सएप मैसेज से इनको इन्फॉर्मेशन आ गया वैसे था, इसके बाद ये वापस चले गए ऐसा बता रहे हैं, और कस्टमर रेस्टोरेंट ने 4 और 5 में फायर सवाल भी दो। थोड़ा है वो तो। यस अब इसका कहना है माय लॉर्ड, ये तो नहीं चलेगा मिस्टर। ठीक रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 और 3 गए भी नहीं थे मौके से है, माय लॉर्ड। वील डायरेक्ट टू रिस्पॉन्डेंट नंबर 4 एंड 5 टू कौशिक दीवाल। उसके बाद आप WPC में जो कराना कराइए, हमें क्या मतलब करना। कि वही मेरा प्रेयर है, मतलब क्योंकि परिवार का दोनों का बाउंड्री का डिस्प्यूट है, डिमार्केशन हो जाए, और जो इनका डैमेज हुआ है वी आर रेडी टू अबाइड बाय, मतलब ये वो सब डायरेक्शन हो जाए, मतलब डिमार्केशन क्योंकि वगैरह हमेशा के लिए वो तो काम हो जाएगा, मतलब बाउंड्री का डिस्प्यूट है, डिमार्केशन हो जाए और हमारे मतलब कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव के इशू उसमें इशू में सेटल नहीं हो जाए। है, सब्जेक्ट मैटर नहीं लॉस्ट ये, और ये इन्होंने दीवार बना दी लॉस्ट मिस्टर भी। काउंसिल, यस क्या सब्जेक्ट मैटर नहीं क्या नहीं है हमारा प्रेरोगेटिव है ना, यस सर आप हमको एडवाइस मत क्या प्लीज करिए। लॉस्ट, आई एम मैं नॉट हैव आई एम नॉट सपोज टू सीक नो नो एडवाइस फ्रॉम द आई एम काउंसिल, ओनली स्टेटिंग प्लीज रिप्लाई लॉस्ट। प्लीज, यस मैम वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व दी इश्यूज, डोंट डोंट बी वेरी स्मार्ट। माय ओनली सेज दैट लॉस्ट, जो यस, डब्ल्यू पी सी का डिमार्केशन हो मैटर जाए है तो दोनों नो परिवारों का डिस्प्यूट नो थोड़ा हमेशा ही डिमार्केशन, रिजॉल्व हो जाए। नो डिमार्केशन, डिमोलिश रीस्टेब्लिश, दैट्स ऑल। दिस इज द कंटेम्प्ट कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं। हम जानबूझ के सुबह बढ़ाए थे ताकि आप लोग अपना रिकनसाइल करके चीजों को सेटल कर मैडम लेते हैं। उसी के बाद सेटिस्फेक्शन मतलब, और उनका ये कहना है कि आप क्योंकि अपना ऑर्डर का जो कंस्ट्रक्शन बना कैश, दीजिए, सुनो ऑनेस्टली आप बोलकर, उसके कंस्ट्रक्शन बाद कर दीजिए। मतलब दी ऑर्डर वाज सर्व्ड बिफोर दी अथॉरिटीज, मतलब नो दे आर नो मीटिंग, क्योंकि ऐसा लॉस्ट नहीं है कि होगा ओवरनाइट हुआ है, मतलब दिस प्रोसीडिंग्स वर गोइंग ऑन सिंस होगा होगा 2021, होगा, कोई दिक्कत ऐसा नहीं, नहीं है कि देखिए वन फाइन मॉर्निंग पूरी होगा। अथॉरिटीज गई और वहां पर डिमोलिश कर आप दिया। जब तोड़ बनवाइएगा और जब तोड़ने का ऑर्डर हो जाएगा तो ये विद कॉस्ट इनको तोड़ने की, इनका आपकी दीवार में बना के देंगे ये। ये बनवा लिए लॉस्ट, प्रॉब्लम यही है लॉस्ट कि ये इनको इन्फॉर्मेशन, ये एडमिट कर रहे हैं कि इनको इन्फॉर्मेशन आ गई थी अरे बाद वो तो में, बातें खत्म हो गई है तो मिस्टर, दीवार टूटे, रिपीट क्यों कर रहे हो हम दीवार टूटे बिना ये दीवार कैसे बना सकते हैं लॉस्ट मिस्टर काउंसिल। चलो प्लीज लॉस्ट। तो दीवार तोड़वाने का पहले 1 लाख रुपए जमा करो, कुछ नहीं पहले 1 लाख रुपए जमा करो, अब फिर जो डिमार्केशन कराना है उस कोर्ट से ऑर्डर करा लेना, जिसका कंस्ट्रक्शन का वही पैसा हमारा लग, प्रेयर है कि अगर आप एक डिमार्केशन लाख को रुपए डिमार्केशन जमा कीजिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ दी कॉस्ट लिखो। कराने का ऑर्डर कर नो दो, नो वो सब हमारे पास क्योंकि नहीं है, हमेशा के लिए वो दोनों WPC में फैमिली जाइए। का नो बाउंड्री नो नो डिस्प्यूट मतलब हमेशा के लिए रिजॉल्व हो जाएगा, नो नो, वी विल नॉट पास दी इवन ऑर्डर। इट विल प्रोटेक्ट देयर राइट्स एज वेल, कि नो नो उनको नो वी विल नॉट पास दी, नो इनका सेटलमेंट मिल जाएगा नो और नो। वहां पर एंड बाउंड्री ये तहसीलदार साहब रिजॉल्व भी हो जाएगा। इन्वॉल्व है लॉस्ट इस केस में, वो वो करेंगे ना अभी उनको, अभी तो पहले 1 लाख रुपए जमा करवाओ जिसने तोड़वाया है। और तहसीलदार और आप लोग सोच लीजिए, अगर आप लोगों के खिलाफ मेरे को एक भी मटेरियल मिलेगा मैं लिख दूं कि अभी आज ही डायरेक्शन दे देता हूँ इंक्वायरी के लिए, लेट दी कलेक्टर कंडक्ट इंक्वायरी अगेन द तहसीलदार एंड रेवेन्यू ऑफिसर हु हैज हु वेर इन्वॉल्व इन दी वायलेशन ऑफ द ऑर्डर को, एंड द कलेक्टर में फाइल एफिडेविट। हाई कोर्ट से मत खेलिए आप लोग, वॉट एवर द रीजन इज नोन टू यू पीपल। माय लॉर्ड, हमने अपनी टीम को तुरंत वापस बुला लिया था माय लॉर्ड, जल्दी तोड़ने के रेस्पॉन्ड बाद तोड़ा, अच्छा जेसीबी किसकी थी, 4-5 की थी सर। जेसीबी का पैसा कौन दिया था, कौन नहीं सर, सर दिया था, अच्छा आप लोग गए क्यों थे। फर्स्ट ऑफ ऑल सर मैं बीसी में था, और रेस्पॉन्ड नंबर 2 और 3 सर हाँ पिपरिया का जो सर वहाँ का जो कार्यालय है वहाँ पर उन लोग थे, वेट कर रहे थे मेरे आने का, बट मैं वहाँ पहुँचा नहीं, और मैं उनको कॉल पे बताया नहीं, और आई नंबर 3 के, और नंबर 2 कौन है, नंबर आर आई 3 3 रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स हैं रेवेन्यू हमारा, इंस्पेक्टर क्या है। जो नहीं गए मौके पे, गए हाँ ही नहीं पे, वो क्यों नहीं गए, वो क्योंकि क्योंकि तहसीलदार साहब आए नहीं थे मालूम, इसलिए नहीं गए। तो तो मौके आप पे फोटो में अब है इनकी, अब इसमें यस एक सर, इनके एक फोटोज लगा हुआ है, मेमो में भी माय लगा, लॉर्ड का फोटो इनकी बताइए, इनकी कवरिंग मेमो लॉस्ट इसमें, ये फोटो कहाँ है। इनकी फोटो आई कैन आइडेंटिफाई लॉस्ट, बट ये इसमें नो नो नो, यस लॉस्ट आप यू आर प्यूटिंग एलिगेशन अगेंस्ट एनी बडी, यस लॉस्ट देन इन अ क्रिमिनल कंटेम्प्ट, इन अ कंटेम्प्ट यू शुड हैव बी वेरी कॉन्फिडेंट यस कि लॉस्ट दे आर द इन्वॉल्व। वेयर दियर फोटोग्राफ शो अस, ये लॉशिप, एक कवरिंग मेमो है लॉशिप, अरे कवरिंग वाले ने फोटो दिखाओ इनकी है कि नहीं, फोटो में ही ये लॉशिप कहाँ है कवरिंग, बताइए, ये लॉशिप ये इनका है नो, इसमें दोनों दिख रहे हैं सब ब्लड इमेज है लॉशिप, ये ब्लड जेसीबी के वाले, हम बाजू क्यों में नहीं मालूम खड़े हुए है। हैं पुलिस लॉशिप, एंड पुलिस अथॉरिटीज यहाँ पे सर यहाँ सर हाथ में सर अथॉरिटी कैसे आ गई थी, सर क्योंकि वारंट इशू हुआ था तो उसमें पुलिस दल को भी बुलाया गया था, पुलिस दल मौके पे पहुंच गई थी, मौके पे सिर्फ कोटवार
फुटवार, और एक पटवारी हाँ और एक एक माल जमादार, माल जमादार सर वहां पे मौजूद था। पटवारी क्या कर रहा था वहां? क्योंकि सर वारंट इशू हुआ था तो पटवारी वहां पे चले गया था। दिस इज तहसीलदार ऑल साहब अभी आए नहीं है, तहसीलदार जब तक नहीं आ रहे हैं साहब तब तक आप वहां चल दीजिए, देख लीजिए मौके पे क्या हो रहा है। उनके वहां से निकलने के बाद ही डिमोलिशन हुआ था माइलोर। ओके।